नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके पास लाया हूँ एक बहुत ही शानदार कूल मैजिक ट्रिक जो कि आप ताश के पत्तों से दिखा सकते हैं। बहुत ही इजी है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं मैजिक ट्रिक। दोस्तों ये एक गड्डी है ताश की, मेरे पास एक नॉर्मल सी गड्डी है मेरे पास ताश की, ठीक है। इसके बाद कोई भी मैं आपसे ऊपर से दो पत्ते निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये आपने देखे ये दो पत्ते हैं, किंग है और क्वीन है, ईंट का और लाल दिल का, ठीक है। ये दो पत्ते आपने देख लिए, किंग और क्वीन, ईंट के और लाल दिल के। इनको आप कहीं भी आप फंसा दीजिए, कहीं पे भी अंदर, ठीक है। मेरे को नहीं पता कहाँ है, ठीक है दोस्तों। अब ये अंदर बहुत अच्छी तरीके से फंस गए हैं, ये आपको नहीं पता कहाँ है। और गड्डी भी मैंने एकदम मात्र दो उंगलियों से मैं पकड़ूंगा ये। अब मैं इसके बाद ये दोनों सिर्फ मात्र दो उंगली से निकाल दूंगा। आप देखिए दोस्तों, ये रहे आपके किंग और क्वीन, ईंट के और दिल के। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने किया तो किया कैसे। दोस्तों बहुत ही इजी है, आपको करना ये है कि आपको किंग और क्वीन, ईंट के और दिल के दो लेना है। मतलब ईंट का आपको किंग लेना है और दिल का भी किंग लेना है, और ईंट की क्वीन लेना है और दिल की भी क्वीन लेना है। सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए ये कहाँ पे हैं जो मैंने अंदर रखे थे। दोस्तों वो अलग कार्ड है, वो ये कार्ड है, ठीक है। दोस्तों आपको करना क्या है, जब आप लोगों को दिखाएंगे तो कोई भी आप इन दोनों में से एक आप दिखा दीजिए, ठीक है। जनरली होता क्या है, जब आप कार्ड उनको दिखाते हैं तो उनको इतना तो ध्यान रहता है कि किंग है और क्वीन है, ठीक है, ईंट का और दिल का। पर क्वीन ईंट का या दिल का इतना नहीं पता रहता है उनको, और 10 में से 9 लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जब आप उनको बताते हैं आपके कार्ड हैं तो वो मान लेते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे ही ऊपर आप ये दोनों रखेंगे, ठीक है, तो वो अंदर कहीं भी रख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अंदर ही हैं, ठीक है। और जो आपके कार्ड हैं वो पहले से ही एक ऊपर एक नीचे आपके रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जब वो अंदर रख देंगे, बस आपको करना क्या है, दो उंगलियाँ लेना है और इनको गड्डी को फेंक देना है तेज से, और ये दोनों निकाल देना है। तो ये ही आप उनके कार्ड होंगे, तो वो देख के चौंक जाएंगे। दोस्तों बहुत ही कूल मैजिक ट्रिक है, आप एक बार घर पर भी कर सकते हैं। ट्राई करके आपको मेरे को बताइए कैसी लगी आपको ये मैजिक ट्रिक। धन्यवाद।